hello everyone good evening today we are here to discuss about the preparation of interview which is right now going on and yesterday bihar public service commission published second and final phase of the date of the all candidates Today, he will discuss about what are the substances of any candidate that interview board is looking for. How should you prepare for interview? What should you do at the time of interview? Before he will start, I want to introduce our eminent speaker, Mr. Alok Kumar Sinha. Alok Kumar Sinha is a 1979 IS batch officer. He has done his schooling from prestigious Netharhat School. Now it is in Jharkhand. He has done graduation in BSc physics from Patna Science College in 1976. He joined IAS in 1979 and allocated Bihar cadre. He worked in the government of India as well as government of Bihar in various capacities. He held several key posts in Bihar including that of Development Commissioner and Principal Secretary in Industries, Agriculture, Excise and Provision, Sugarcane and Disaster Management Departments. He also served in Ministry of Rural Development, Government of India, as his Central Deputation. Lastly, he served as a Principal Advisor, Bihar State Planning Board, where he took VRS in 2015, and thereafter appointed as a Bihar Public Service Commission Chairman and continued till 2018. When he joined as a Chairman of BPSC, lots of pending examinations were there. Every examination was facing court cases.

बिहार पब्लिक कमीशन का चेयरमैन रहा हूं और आज इन्होंने मुझे आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके संबंध में कुछ गाइडेंस देने के लिए बुलाया है एक बात मैं आ, साफ कर दूं आप मुझसे ये आशा न रखें कि पूर्व चेयरमैन होने के कारण मैं आपको इंटरव्यू की कुछ अंदरी जानकारी दे पाऊंगा पब्लिक सर्विस कमीशन में जब भी इंटरव्यू होता है तो समय समय पर नए नए मेंबर इंटरव्यू के लिए आते हैं उनकी अपनी मान्यता होती है उनके अपने विचार होते हैं और इस हिसाब से वो प्रश्न अपना पूछते हैं तो इसलिए मैं जो आपको बताऊंगा सामान्य गाइडेंस जो आपको किसी भी सरकारी सेवा के लिए काम आएगा हाँ बैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इनके लिए कुछ अलग मानदंड हो मैं आपको सरकारी सेवा के बारे में बताऊँगा A question what do we expect from you? Uh, do we expect you to be an expert like Newton or Einstein, or if in humanities, do we expect you to be like Amartya Sen or say Dr. Radhakrishnan, philosopher, or something like that? No, the commission does not expect you to be an expert in every subject. What they want you to be, frankly enough. मैं एक शब्द कहूंगा ऑफिसर लाइक क्वालिटी नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन व्हाट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटी आई विल से देर इज नो फिक्स डेफिनेशन एंड नो वन विल एक्चुअली से व्हाट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटी बट वी आर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी ऑफिसर लाइक क्वालिटी मीन्स आप शांत सौम में रहिए किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए आप तैयार रहिए एक बात ये भी ख्याल रखिए कि आप हम लोग डेमोक्रेसी में करते हैं और सरकारी सेवा में रहते हुए आपको कई स्तर के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलना पड़ेगा वो हो सकता है मुखिया हो हो सकता है प्रखंड का प्रमुख हो जिला परिषद का चेयरमैन हो एम हो एमपी हो एम पी ए सरकारी सेवक हमें अपनी भावना पर काफ़ी नियंत्रण रखना पड़ता है और जिसको कहती है ना विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराने रहता है लेकिन आप किसी से दबेंगे नहीं आप कोई गलत काम नहीं करेंगे तो इंटरव्यू बोर्ड ये देखेगा कि आप कहाँ तक एडवर्स सिचुएशन को फ़ेस कर सकते हैं तो इस हिसाब से चला जाए तो सबसे पहले इंटरव्यू को फ़ेस करने के लिए आपको काफ़ी शांत सोमे रहना पड़ेगा आप में घबराहट नहीं होनी चाहिए बल्कि मैं सजेस्ट करूँगा कि इंटरव्यू के कम से कम 24 घंटे पहले आप सारी किताबों को बंद कर दें आप अपने को रिलैक्स रखें यदि अच्छा होगा अगर आप फिल्म देखते हैं तो कोई फिल्म देखने चले जाएं या परिवार के साथ बाहर चले जाएं ये आपके मन का तनाव दूर करेगा मैंने पाया है कि इंटरव्यू देने वाले कई कैंडिडेट कमीशन ऑफिस आते भी किताबों को लेकर उसे घुमाते रहते हैं ये आपके टेंशन को बढ़ाएगा और कोई आपको फ़ायदा नहीं करेगा तो मेरा सुझाव होगा अपने को रिलैक्स रखें अपने मन को शांत रखें और आप ध्यान 24 घंटे पहले अपने आप को पूर्ण आश्वस्त कर लें क्योंकि मैंने कई बार कहा कि इंटरव्यू बोर्ड आपके विद्वता की टेस्ट नहीं है या आप किस प्रकार बातें करते हैं आपकी बातों में कितनी रीजनिंग और लॉजिक है और विपरीत परिस्थितियों को महसूस करने या उसका सामना करने की आप में कितनी कैपेसिटी है एक और प्रश्न है ऑफिसर लाइक क्वालिटी में अक्सर पूछा जाता है कि सर मैं क्या ड्रेस पहन के जाऊं आज से 40 साल पहले अगर एक प्रश्न उठता तो उस समय हम लोगों पर ब्रिटिश काल का अंग्रेजों का साम्राज्य था तो चाहे वो कोई भी मौसम हो लोग कहते हैं कि आप सूट टाइप पहन के जाइए मैं भी स्वीकार करूंगा मैं जब यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया था अप्रैल का महीना था गर्मी थी दिल्ली में फिर भी उस समय की प्रचलित धारणा के अनुसार मैं सूट टाई पहन के गया था मगर अब ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन कमीशन को आपसे नहीं है आप जिस ड्रेस में अपने आप को सहज महसूस करें आप पहन सकते हैं हाँ बहुत ज़्यादा फ्लैसी नहीं हो अब आप जीन्स और स्लीवलेस टॉप पहन के नहीं जाए या बाल आपके बिल्कुल बिखरे हुए नहीं हो महिलाएं भी हों तो साड़ी सलवार सूट या कोट पैंट भी पहन सकती हैं लेकिन ये ख्याल रखें कि यहाँ आपको एक सौम्य एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी प्रदर्शित करनी है अब यह इंटरव्यू दिसंबर का महीना हो रहा है पटना में ठंड शुरू हो चुकी है इसलिए अगर आप मैं अगर सजेस्ट करूँगा इन सब के बावजूद अगर आप सूट पहनने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हो तो ज़रूर आप सूट पहनें आप सूट पहने सूट टाइप पहने हाँ लेकिन आप पहले पहन के देख ले कि क्या आप उसमें कंफर्टेबल होते हैं या नहीं सूट का भी रंग मेरे ख्याल से ब्लैक ब्लू हल्का ग्रे हो बहुत लाल हरा मतलब फ्लैसी अपने आप को नहीं करेंगे तो ये मैंने प्रारंभिक बात कही इन बातों को आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका मन रिलैक्सड होगा जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो आप किस प्रकार से बैठते हैं आपके चेहरे पर घबराहट नहीं होनी चाहिए आप बहुत सारे लोग देखते हैं कि आंखें मीच कर नीचे झुक कर देखते हैं वो प्रदर्शित करेगा कि आप तैयार नहीं हैं आप में गंभीरता की कमी है आप सीधे बैठे और चेयरमैन की ओर देखें जनरली चेयरमैन होते हैं बगल में दो तीन मेंबर उनके दोनों तरफ बैठे रहते हैं चेयरमैन की ओर देखें चेहरे पर थोड़ी सी हल्की मुस्कुराहट रखें चेहरा बिल्कुल आपका कठोर और तना हुआ नहीं होना चाहिए ये प्रारंभिक है जो इंटरव्यू बोर्ड को ये देखने में करता है कि आप किस हद तक सहज हैं और किस हद तक विपरीत परिस्थिति को संभाल सकते हैं इनके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न तो कॉमन है कुछ प्रश्न जो आते हैं वो बहुत कॉमन है आ, मैं देखा हूँ अभी भी जो लोग इंटरव्यू देकर निकलते हैं तो आपके कोचिंग क्लास वाले उनसे क्वेश्चन की लिस्ट लेकर और समझ के करते हैं ये बात सही है इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर भी लगभग 35-40 दिन इंटरव्यू लेते हैं डेली करीब 40 कैंडिडेट होते हैं तो ये सही है कि कुछ क्वेश्चन रिपीटिशन हो मगर ख्याल रखिए कि हर क्वेश्चन आप बिल्कुल सही दें वो जरूरी नहीं है आप में गंभीरता होनी चाहिए आप जो भी उत्तर दें वो रैशनल और उसमें रीजनिंग के साथ होना चाहिए कभी कभी आप किसी चीज़ पर बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं तो ये स्वीकार कर लेने कि सर मैंने इसका अध्ययन नहीं किया आप कृपया संबंधित कोई और विषय पर पूछें लेकिन शायद इंटरव्यू बोर्ड को बरगलाने या उनके सामने झूठा देने की कोशिश न करें ये मेरा सुझाव होगा अब सामान्य क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे ये पूछे जाएंगे इन पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ शायद हमारे एकेडमिक डायरेक्टर सुमन जी आप कुछ ये बताना चाहेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न करते हैं उसके बाद मैं फिर आऊंगा किस प्रकार के प्रश्न एक्सपेक्ट करते हैं तो आप बताएं फिर मैं कुछ और बातें बताऊंगा सर पहला प्रश्न उम्मीदवार जानना चाहते हैं कि किस माध्यम में साक्षात्कार देना चाहिए साक्षात्कार जहाँ तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है ये हिंदी में होगा इंटरव्यूअर आपसे हिंदी में ही पूछेंगे लेकिन अगर आप जवाब अंग्रेजी में देना चाहते हो तो आप कह दें सर आई एम कम्फर्टेबल इन इंग्लिश लेट मी टॉक इन इंग्लिश मगर एक बात ख्याल रखिए बिहार की राजभाषा हिंदी है जहाँ तक जिस स्तर के हैं आपको जिला सब डिवीजन प्रखंड में काम करना पड़ेगा तो हिंदी का ज्ञान आप ये प्रदर्शित न करें कि सर मुझे हिंदी का ज्ञान नहीं है इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि निगेटिव ही होगा हाँ ये आप कह सकते हैं कि सर ये बड़ा साइंस का टेक्निकल विषय है इकोनॉमिक्स मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है इसका मैं इंग्लिश में जवाब देना चाहूँ मगर एक बात और है कभी मैं कहा जाता था कि आप हिंदी बोले अंग्रेजी बोले इंटरव्यू बोर्ड इससे प्रभावित नहीं होगा लेकिन बिहार की राजभाषा हिंदी है यह जरूर ख्याल रखिएगा कि आप हिंदी नहीं जानते हैं यह आपके लिए कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं होगा अब मैं एक दो बात और बता देता हूं ठीक है क्योंकि मूल क्वेश्चन की ओर आप आ रहे थे क्वेश्चन आंसर के पहले इंटरव्यू में बहुत सारे टॉपिक पूछे जाते हैं आप भी बहुत तैयारी करके जाते होंगे अब आपकी कोशिश यह रहना चाहिए कि इंटरव्यूअर आपसे ऐसे सवाल करे जिसमें आप कंफर्टेबल हो मैंने कहा आप कोशिश ये करें कि इंटरव्यूअर आपसे ऐसे सवाल करे जिसमें आप कंफर्टेबल हो ये कहना तो मैंने बहुत आसान है लेकिन आप पूछेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है इसके कुछ दे रहा हूँ हो सकता है आप सफल हो जाए सामान्यतः तो आपसे जरूर पूछेगा कि आप ज़्यादा उम्मीद है पूछेगा कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या विषय लिया था और ये भी पूछ सकता है कि आपके जो मेंस में क्या विषय थे ना यहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है आप जैसे मान लो आप कहते हो कि मैंने इकोनॉमिक्स लिया था तो बस इकोनॉमिक्स कहकर चुप मत रही इकोनॉमिक्स लिया था सर और इसमें मैंने विशेष रूप से इसे फॉरन ट्रेड का अध्ययन किया था डिमांड एंड सप्लाई का अध्ययन किया था ग्रोथ विथ इक्विटेबल जस्टिस का ग्रोथ किया था अगर आप इन टॉपिक्स में कंफर्टेबल हैं इससे फ़ायदा क्या होगा इंटरव्यूअर आपसे इन टॉपिक्स पर तो सवाल पूछने की कोशिश करेगा ये हंड्रेड परसेंट गारंटी नहीं है लेकिन मैंने कहा जब भी कोई आप सब्जेक्ट बताएं तो दो तीन टॉपिक्स का नाम दे इस आसान हाँ, प्रोवाइडेड यू आर फुली कंफर्टेबल इन दिस टॉपिक आंख मूल के कुछ कह दिया और फिर जब क्वेश्चन हुआ तो आप फेल कर गए मान लो हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है सुमन जी तो हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं तो आप कह सकते हैं हाँ मैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विशेष अध्ययन किया है या मुगल कालीन साहित्य कला का मैंने विशेष अध्ययन किया है या वैदिक युग की सभ्यता का मैंने विशेष अध्ययन किया है हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था ना ये कहने पर इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंटरव्यूअर आपसे इन्हीं टॉपिक पर क्वेश्चन पूछेगा इसका मैं कोई सेट फॉर्मूला नहीं बना सकता हूँ कोई जरूरी नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से सिक्सटी परसेंट चांस है कि जब आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ मेंशन करेंगे इन टॉपिक में तो इंटरव्यूअर इनसे कुछ पूछेगा तो इस हिसाब से आप इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे वो सवाल पूछे जो आप जाते हैं आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपकी हॉबी क्या है यहाँ भी एक प्रश्न है अब आप हॉबी आंख मूंद के मत कहिए जैसे कहिए कि मेरी म्यूजिक हॉबी है तो म्यूजिक में मैं क्लासिकल म्यूजिक रहता हूँ मुझे राग यमन राग मालकोस पसंद है मतलब एक बात कर रहा हूँ या मैं इंग्लिश uh, म्यूजिक सुनता हूं तो उसमें कुछ अंग्रेजी म्यूजिक सीन का नाम लीजिए प्रोवाइडेड कि आप उनके बारे में जानकारी रखते हो तो इससे फ़ायदा वही होगा कि आपसे क्वेश्चन उन पर आएगा और आपका स्ट्रांग पॉइंट सामने आएगा आप कह सकते हैं कि सर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो क्रिकेट खेलना इससे से नहीं होगा सर मैं बॉलिंग करता हूँ इन स्विंगर आउट स्विंगर क्रिकेट में इन सब पर विशेष ध्यान देता हूँ मैं स्पिन का विशेषज्ञ हूँ या पेस बॉलिंग करता हूं उसका करते हैं। तो आप कुछ अपनी तरफ से कुछ पॉइंट सजेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपसे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर क्वेश्चन है ये मैंने विशेष करके बात आपको बुलाई कभी कभी ये भी होता है कि इंटरव्यूअर आपको जान बूझ कर एक्साइट करता है कि आपका कंपोजर कितना है उदाहरण के लिए एक बार मैं इंटरव्यू बोर्ड में बैठा था जनरली चेयरमैन कभी बैठते एक बार मैं था तो एक कैंडिडेट को मैंने देखा मास्टर्स में कोई विषय मेंस में कोई विषय उसके बाद वो दो सर्विस पहले कहीं किसी सर्विस में काम किया फिर प्रोफेसर बना इंजीनियर तो करके दो तीन सर्विस में ऑलरेडी कर रहा था और तब यहाँ आया तो मैंने जानबूझकर ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो मैंने कहा उसका काम एंड कंपोजर देख लेकर मैंने उससे कहा कि मैंने आप इतने विषय बदलते हैं सर्विस बदलते हैं मैं क्यों ना मानूँ कि आप टोटली इन हैं आप टोटली पलायनवादी हैं ना मैंने जानबूझ कर देखा कि उसको एक्साइट किया पर मुझे खुशी है कि उस कैंडिडेट ने अपने आप को कंपोज रखा कुछ इस टाइप कहा कि सर आपका कहना ठीक है ले मेरी आकांक्षा थी मेरी एम्बिशन थी और अपने एम्बिशन को प्राप्त करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं इसलिए मैं प्रयास करता रहा लगातार प्रयास कर और करता भी रहूँगा जब तक मेरे मन की सर्विस नहीं मिलता है इसी प्रकार आपसे फिर वो पूछ सकता है कि आपका सर्विस का चॉइस क्या है मान लो आप कहते हो को बिहार पुलिस सर्विस तो जब आप बिहार पुलिस सर्विस कहते हो तो साथ साथ ये कहो कि मैं पुलिस में रह कुछ जनता की सेवा का भी काम कर सकता हूँ पुलिस का काम केवल लाठी चलाना और चोर को पकड़ना नहीं है जैसे मैं गाँव में जाऊँगा कई बार एस सी पर एट्रोसाइटीज होती है तो मैंने एस सी एक्ट का अध्ययन किया है महिलाओं पर हरा हरासमेंट होता है तो महिलाओं से हरासमेंट समझे से एक्ट का मैंने अध्ययन किया है मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से इंटरव्यू बोर्ड को कुछ मटेरियल दे रहे हैं हाँ प्रोवाइडेड कि आप महिला एक्ट्रोसाइटी और ह्यूमन राइट्स इन, 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 इन पर आप कंफर्टेबल हों तो इसी प्रकार जिस सर्विस का भी आप चॉइस दे रहे हों उसमें इन कुछ बातों को रखिए कि आपका बेस्ट इंटरव्यू बोर्ड के सामने आए तो आप एक तरह से इंटरव्यू बोर्ड को आप गाइड कर रहे हैं राधा द इंटरव्यू बोर्ड गाइडिंग यू यू आर टेकिंग एन अपर हैंड सो so, अगर आप ये ट्राई करें कोशिश करें मैं नहीं कह रहा हूं कि हंड्रेड परसेंट आपको वैसा ही क्वेश्चन होगा लेकिन सिक्सटी परसेंट सेवेंटी परसेंट चांस है कि आपका मनचाहा प्रश्न आपको मिल सकता है तो अभी तत्काल तो मैं इतना ही कहता हूं और अगर आप लोग की तरफ से कोई प्रश्न हो तो वेलकम हो सर आपने जो बताया कि ग्रेजुएशन में जो विषय लिया गया उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि तैयारी के दौरान जिस साल उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और अभी वर्तमान में जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उसमें काफ़ी गैप आ जाता है तो क्या इस आधार पर जिन विषयों में ग्रेजुएशन किया गया है अर्थात बी ए बी एस सी बी टेक या एम बी बी एस तो क्या उसके सिलेबस या विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्या इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है हाँ ये पूछा जा सकता है क्योंकि इंटरव्यूअर का कोई मैं माइंड प्रिडिक नहीं कर सकता हूं अगर आप कहते हैं इंजीनियरिंग किया था तो कुछ सवाल पूछ सकता है लेकिन लेकिन उसी समय आपको बोल देना चाहिए कि मैंने किया था सर साल साल से मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और मेरी स्पेशलिटी इस विषय में है और इस विषय के इन टॉपिक में तो शायद इंटरव्यूअर आपके जो जिस विषय को आपने मेंशन किया है उसकी ओर क्वेश्चन डायरेक्ट करते लेकिन यह मैं नहीं कहूंगा कि नहीं वो आपसे पिछले विषय पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा सर अगला प्रश्न वैकल्पिक विषय को लेकर है वैकल्पिक विषय के बारे में पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन किसी एक खास विषय में किया है लेकिन आपने इस परीक्षा के लिए किसी अन्य विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया है तो इसका जवाब क्या होना चाहिए आप बड़ा क्लियर कर सकते हैं कि सर मैंने कंपटीशन की तैयारी की और मुझे इसमें अच्छा करना था मुझे ये महसूस हुआ कि इन विषय में मैं अपनी क्षमता को ज़्यादा प्रकट कर सकता हूँ इसलिए मैंने इस विषय का अध्ययन किया इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं और फिर जब अध्ययन किया तो आप कह सकते कि मेरे लाइकिंग का था जैसे मुझे कास्ट सिस्टम बोर्ड के बारे में मैं जानकारी लेनी थी इसलिए मैंने सोशलॉजी चूज कर लिया तो फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई इंटरव्यूअर आपसे कास्ट सिस्टम पर पूछे मेरे बात आप समझ रहे हैं जब आप कहेंगे क्यों वैकल्पिक शब्द लिया तो उसमें दो तीन टॉपिक्स ऐसे बताए कि मुझे फॉरेन ट्रेड की जानकारी चाहिए थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा था इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया ताकि इंटरव्यूर किस को मैं भी कर रहा हूँ कि एनी एडवर्स सिचुएशन शुड यू शुड ट्राई टू तो ब्रिंग इट टू तो योर फेवर डेट ओनली आई कैन से सर अगला प्रश्न भी गैप ईयर को लेकर है जिस वर्ष आपने ग्रेजुएशन किया है लेकिन आपके अटेम्प्ट के बीच गैप आ जाता है तो क्या उम्मीदवार को इसको छिपाने के लिए दूसरे तरीके से इसे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इसका उत्तर भी क्या देना चाहिए देखिए हम लोग इंटरव्यू बोर्ड में ह्यूमन बीइंग से हम सब जानते हैं हमारे घर में भी बच्चे जो होते हैं वो तैयारी करते हैं सब कोई जानते हैं कि नौकरी की तलाश में आजकल दो साल तीन साल भटकता है और खासकर बिहार में तो ये पिछले दो साल से मेरी कोशिशों के बावजूद सेशन रेगुलर हुआ नहीं तो आपको पता है छः छः साल सात सात साल बाद एग्जाम होता था तो इससे इंटरव्यू बोर्ड आपके खिलाफ बायस नहीं होगा कि सर मैं तैयारी कर रहा था मुझे सरकारी सेवा में आने की इच्छा थी इसलिए मैं इस बीच तैयारी कर रहा था यह कोई निगेटिव आपके खिलाफ नहीं जाएगा नहीं मेरे विचार से नहीं मेरे विचार से नहीं जाएगा अभी के बोर्ड का मामला मैं नहीं कर सकता लेकिन मेरे विचार से ये नहीं होगा आपके लिए सर अगला प्रश्न जिस उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है और उनसे जो फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है उसमें सर्विस प्रेफरेंस पूछा जाता है क्या उम्मीदवार से यह उम्मीद किया जाना चाहिए कि उसे सर्विस के बारे में उनको विस्तृत जानकारी प्राप्त हो यह मैंने सुना तो मैंने अंत में बताने को सोचा था ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर नई ध्यान देने से बहुत सारे कैंडिडेट सफर किए हैं आप फोन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जिस सेवा के लिए आपने प्राथमिकता नहीं दी है उस सेवा के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा अब मान लो कोई बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति है उसने कोई प्रिफ्रेंस नहीं भेजा उसका मन होगा कि सरकार मुझे जो दे देगी और वो आदमी टॉप कर जाता है लेट्स हैव ए वेरी आइडियल सिचुएशन वो टॉप करता है मेरिट में लेकिन उसने पंद्रह सोलह में एक भी विकल्प नहीं दिया जाता है हम लोग जब बैठते हैं अ, मेरिट लिस्ट इधर रखते हैं और कैंडिडेट नंबर वन फर्स्ट विकल्प उस सर्विस में अगर जगह डाल देते हैं कैंडिडेट नंबर टू फर्स्ट विकल्प अगर सर्व, 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 अगर फर्स्ट विकल्प में सीट नहीं है तो सेकेंड में डालते हैं तो आप टॉप कर चुके हैं आपने कोई विकल्प नहीं दिया है तो कमीशन आपको कहां रखेगा आपको रिजेक्ट नहीं किया जा रहा कहा जाएगा कि इन्हें कोई भी सर्विस अलॉट नहीं हुआ मेरी बात समझ रहे समझना बहुत ध्यान देने की बात है लोग पढ़ते नहीं है फॉर्म में यह चीज बड़ा क्लियर लिखा हुआ है दूसरी बात है कि मान लो आपने केवल चार सब्जेक्ट का विकल्प दिया जनरली पुलिस सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कमर्शियल टैक्स और रजिस्ट्रेशन आदि दे लोग छोड़ देते हैं इस वक्त जनरली इन सब में मेरिट रैंक पचास साठ तक आने तक सीट भर जाती है आपका रैंक नीचे है आप पहुंचे तो इन चार में जगह नहीं है आपने फिर कोई विकल्प नहीं दिया है तो अगेन यू विल बी आउट आपको कोई सेवा नहीं दिया जाएगा आप ये कह सकते हैं कि नहीं साहब क्या था कमीशन को सोचना चाहिए था मैं बड़ा ब्रिलियंट था अपने मन से दे देता नहीं हम अपने मन से कैसे दे देता आपके नीचे वाला आदमी तो वो विकल्प दिया है तो ये बात मैं कहने वाला था इसको बहुत ध्यान से पढ़ें दो तीन बार पढ़ें उस फॉर में ऊपर नीचे विशेष रूप से लिखा हुआ कि यदि किसी सेवा के लिए आप विकल्प नहीं देंगे तो आपको उस सेवा के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा इसका दूसरा मतलब यह भी हुआ कि यदि आपने कोई विकल्प नहीं दिया है तो आपको टॉप करने पर भी कोई सर्विस नहीं दी जाएगी क्या यह बिंदु सभी को स्पष्ट है सर एक प्रश्न इसी से संबंधित है जो बच्चे हमारे पास मॉक इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो रहे हैं उनके ट्रांसक्रिप्ट के आधार पर कुछ ऐसे सर्विस है जिनके बारे में उनसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन या सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप एस डी एम हैं तो लेबर कानून को लागू करने के लिए आप क्या करेंगे क्या इस तरह के प्रश्न और सर्विस के बारे में जानकारी होनी चाहिए अब ये तो इंटरव्यू बोर्ड की है आपने एस डी एम का काम भी तो आजकल सब कोई सारा एडमिनिस्ट्रेशन है तो जब आप एस डी एम का चॉइस दिए हैं तो क्यों लॉ ऑर्डर के अलावा बाकी विषय पर भी तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो खासकर जब आप टॉप सर्विस दिए हैं और अगर आपने चॉइस दिया है बिल्कुल निबंधन सेवा का टॉप तो उम्मीद है कि आपसे निबंधन सेवा के बारे में पूछा जाएगा और जनरल जो कंटेंट है जनरल नॉलेज पर आपका ध्यान दिया जाता अभी का करेंट टॉपिक जैसे आपने बताया अभी फार्मर्स चल रहा है चीन के साथ हुआ ये सब तो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इस पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कहा सर्विस में इंटरव्यू बोर्ड के ऊपर कोई बंधन नहीं है चूंकि उनको भी 40 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना है और एक दिन में दो बोर्ड है तो मान लो 10-10-20 का लेना है तो वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे ये कोई पहले से सेट नहीं रहता है उस समय उनके विचार में आपका कंटिनेंस आपका विषय देख वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसलिए मैंने कहा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आपका सब्जेक्ट क्या है आपका सर्विस का चॉइस क्या है आपकी हॉबी क्या है यह प्राइमरी होता है इसी समय आप अपने स्ट्रोंग पॉइंट्स मेंशन कर दें तो हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे उन्हीं पर केंद्रित रहे फॉर्म के बारे में जब आपने पूछा तो एक और मैंने उसका जो पहला फॉर्म है जिसमें आपका बायोडाटा है उसे भी बड़े ध्यान से पढ़िए बहुत सारा उसमें आपके रिजर्वेशन कैटेगरी की होती है वो ध्यान से भरिए और उसके सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल दीजिए क्योंकि इंटरव्यू के बाद अगर आप कोई सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे तो मैं जब था तो कभी कदार लोग कहते थे तो कुछ दिन समय दे दिया जाता था लेकिन आजकल जहाँ तक मुझे जाने, पता नहीं अभी क्या पोजीशन है समय नहीं देते हैं तो अगर आज दिन उस सारा ओरिजिनल लेके नहीं आए तो हो सकता है कि आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाए अब आप मान लो आपने ई बी सी इसको कहा जाता है बी सी वन के लिए लिखा है और आप सर्टिफिकेट उसका नहीं लाते हैं तो आपकी कैटेगरी जनरल में चेंज कर दी जाएगी लेकिन यहाँ ध्यान देखिए आप जनरल में चले गए तब देखा जाएगा कि क्या प्रिलिमिनरी में आपके पास मार्क्स था कि आप जनरल में क्वालिफाई करते अगर नहीं क्वालिफाई करते तो आपका कैंडिडेटचर रद्द हो जाएगा इसलिए अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स पर बहुत ध्यान दीजिए सामान्यतः उसके लिए समय रेयर परिस्थिति में ही दिया जाता है उस दिन सबको इकट्ठा करके जरूर लाइए तो फॉर्म्स के बारे में मैंने पूछा दोनों फॉर्म्स के बारे में मैंने बता दिया सर इंटरव्यू के दौरान यह भी पूछा जाता है कि आप वर्तमान में किसी नौकरी पेशा या व्यवसाय में हैं तो उसके बारे में जानकारी क्या उनको होनी चाहिए या उनसे संबंधित प्रश्न भी संभावित हो सकते हैं ये तो बहुत नेचुरल है क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड मैंने कहा आपका अवेयरनेस देखता है तो आप जिस परिवेश में हैं उसके आसपास की सारी जानकारी तो एक्सपेक्ट है इनफैक्ट यह ऑफिसर लाइक क्वालिटी का पार्ट है आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं अकाउंट काम कर रहे हैं तो अकाउंट की जानकारी तो आपकी होनी ही चाहिए तो ये बहुत उचित है आप अगर किसी सेवा में हैं तो उस सेवा की जानकारी जरूर लीजिए और उससे प्रश्न पूछे जाने की पूरी उम्मीद है अगर कोई उम्मीदवार पहले से ही सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत है और वह प्रशासनिक सेवा में आना चाहता है तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए बड़ा मुश्किल है लेकिन आप दो बात कह सकते हैं एक तो कह सकते हैं कि ठीक है जैसे मैंने कहा ना कि आप पलायनवादी हैं जैसे मैंने शुरू में कहा है दो सर्विस चेंज करता तो मैंने पूछा कि आप पलायनवादी है तो ऑफ कोर्स ठीक है आप यहाँ कह सकते हैं कि सर मुझे बचपन से ही प्रशासन में एसडीओ डीएम इन सब के पीछे आकांक्षा थी मैंने प्रयास करते रहा आज मुझे, मुझे मौका मिला ही आ रहा है दूसरा पर्सनल भी बोल सकते हैं कि मैं डिफेंस में हूँ जम्मू कश्मीर लद्दाख में पोस्टेड हूँ मैं बिहार में, में मेरा परिवार है मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए तो ये फ्रेंकली बोलने में आप घबराएं नहीं जो बोले उसका आंसर दे और कट करके कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है इसका क्या परफेक्ट आंसर होगा ये मत सोचिए लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरी आकांक्षा थी मेरी एम्बिशन थी और मैं इसके लिए प्रयासरत रहा हूं प्रयास करने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है इसके लिए अगर आप इस तरफ का जवाब देंगे तो इंटरव्यू बोर्ड आपको निगेटिव नहीं करेगा और अगर आप दूसरे तरह से कहेंगे कि मैं सर वहाँ कमाने का ज्यादा मौका है तो फिर आपको <laughs> कोई प्रश्न नहीं करेगा ठीक है सर अगला प्रश्न अगर उम्मीदवार साक्षात्कार के दौरान तीन या चार प्रश्नों के उत्तर लगातार नहीं दे पाता है इसका साक्षात के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उत्तर बिल्कुल नहीं दे पाता है तो इंटरव्यू बोर्ड तो देखेगा ही वो 40 परसेंट फिफ्टी परसेंट मेम्बर्स डिस्कस करते हैं कि साहब इसका परफॉर्मेंस 40 परसेंट फिफ्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट तो अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे कुछ प्रश्न कम करेंगे तो वो तो इंटरव्यू बोर्ड आपके मार्क्स को कम करेगा ही

उनसे सवाल किया जा सकता है <laughs> यह प्रेस इंटरव्यू बोर्ड का अंदरूनी है हम लोग कोशिश करते थे कि कैंडिडेट का नाम और बस इतना ही सामने रहता है डिटेल्ड बायोडाटा हम लोग इंटरव्यू बोर्ड के सामने नहीं देते थे क्योंकि हम किसी प्रकार से इंटरव्यू बोर्ड को वायस नहीं होने देना चाहते थे कि ये आदमी है इस इंस्टीट्यूट से इसने मास्टर्स किया है इस इंस्टीट्यूट में सर्विस किया है इस गांव का रहने वाला है इवन उसका रिजर्वे रिजर्वेशन कैटेगरी भी कोशिश करते हैं कि जो इंटरव्यू बोर्ड के सामने कागज हो उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी भी नहीं रखा जाता है कि इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य किसी भी प्रकार से अभी तो जहाँ तक मेरी जानकारी हुई है लेटेस्ट उन्होंने किया है कि रोल नंबर भी नहीं रहता है बल्कि उसके जगह पर एक कोड रहता है जो लेकर जाते हैं तो बीपीएससी का ये सिस्टम है कि बिल्कुल अनबायस्ड हो किसी प्रकार का बाहरी प्रभाव ना पड़े किसी प्रकार की पैरवी का स्कोप न रहे ये बीपीएससी का आपने प्रश्न कहा है बायोडाटा के नाम पर उसका केवल रोल नंबर क्या अब तो कोड नंबर रहता है जो इंटरव्यू के सवेरे ही उसको दिया जाता है तो ये आप समझ रहे हैं कि कोशिश ये की जाती है कि, कि किसी प्रकार का बायस किसी मेंबर में नहीं हो सर एक और प्रश्न जो हमारे सामने आया संदीप पूछ रहे हैं कि गैप ईयर को कैसे जस्टिफाई करें मैंने कहा अब जस्टिफाई तो आपके पास क्या कारण थे आ, आ, आपके कारण तो आपके होंगे जो भी कारण वो बताएंगे या आप सिंपल कह सकते हैं कि सर मुझे प्रशासनिक सेवा में आने की इच्छा थी भरपूर मैं परीक्षा की तैयारी करते था। तो कारण तो आप ही बताएंगे मैं कोई नकली कारण के लिए आपको तो नहीं कहूँगा बहुत फ्रैंक या मैं था मैंने कोशिश की अन्य सर्विसेज के लिए भी कोशिश की होगी आपने किया और मैं बीपीएससी में आना चाहता था मैंने तीन साल चार साल कोस्टिंग किया उसके लिए क्या ये फ्रैंक उत्तर होना चाहिए इसको छुपाने से क्या फायदा है? सर एक प्रश्न है उम्मीदवार से साक्षात्कार के दौरान किन किन गुणों की अपेक्षा कर सकते हैं ये मैंने शुरू से ही बताया था कि हम ऑफिसर लाइक क्वालिटी चाहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटी मैंने बताया था कि आप सौम में हों शांत हो कोई भी चीज हड़बड़ी में न करें जो भी प्रश्न आए उसको समझे उसका रीजन और लॉजिकल उत्तर दें किसी भी प्रकार की गलत बात बोलने की कोशिश न करें यह मैंने और सौ में शांत बना रहे हैं अगर कोई प्रश्न जानबूझ आपको एक्साइट करें तभी आप अपने आप को कूल काम बनाए रखें क्योंकि सर्विस में आपको कई तरह का सिचुएशन फेस करना पड़ेगा आप ज़्यादातर आप काम करेंगे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो आपको तरह तरह की बात करेंगे लेकिन डेमोक्रेसी में आपको अपना कूल मेंटेन करना है तो ये हम जरूर देखेंगे कि आपका ज्ञान हो और ज्ञान के साथ आप किस हद तक अपने आप को रैशनल रख सकते हैं यह बात मैंने शुरू में भी बताई सर एक प्रश्न आया है नित्यानंद के द्वारा सर मैं ऑडिटर हूं लेकिन अभी हाउसकीपिंग का कार्य दिया गया है क्या मुझे हाउसकीपिंग के बारे में बोर्ड को बताना चाहिए यह प्रश्न आपने पहले भी पूछा था कि पिछली सर्विस के बारे में हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड पूछ ले ये तो मैंने पहले भी बताया था इंटरव्यू बोर्ड पूछ ले इसलिए आप जिस परिवेश में हैं उस परिवेश की जानकारी आपके पास होनी चाहिए एक प्रश्न श्रेया सवाल ने किया कि फॉर्म में वर्तमान जॉब के बारे में मेंशन करें या नहीं क्योंकि मेरी जो जॉब लगी है वो नोटिफिकेशन के बाद लगी है और उसके लिए क्या एनओसी लेना आवश्यक है हाँ, यह प्रश्न इंटरव्यू बोर्ड के लिए बहुत आ... बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है आपसे वो पूछेंगे कि देखिए जो आपके इंटरव्यू बोर्ड के सामने जो फॉर्म जाएगा उसमें आप किस जॉब में हैं ये मोस्ट पेबली नहीं लिखा जाएगा जैसे मैंने बताया कि बायोडाटा अब हम लोग जो मेरे समय में था अब इधर की लेटेस्ट क्या है बहुत कम बायोडाटा में इंफॉर्मेशन रहता है तो ये कोई अगर आपने नहीं लिखा तो ये कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है हाँ अगर आप कहीं सर्विस में हैं तो वहाँ से रिजाइन करके आपको आना पड़ेगा तो वो रिलीविंग लेटर अगर आप मेंशन करेंगे तो लेके आना पड़ेगा रिलीविंग लेटर एक और प्रश्न है सर अगर कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे कैसे डील किया जाए पॉलिटिकल क्वेश्चन भी तो जनरल नॉलेज ही की पार्ट होगी ना जनरल नॉलेज की पार्ट होगी बिहार में भी किस पार्टी की सरकार है इस सरकार की मैनिफेस्टो में क्या क्या बिंदु थे जो ओपोजिशन है मान लो फॉर्म एक्ट का विरोध क्यों करता है तो पॉलिटिकल क्वेश्चन तो पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज है ऐसी कोई बात नहीं तो जनरल स्टडीज है जनरल स्टडीज की बात है आपके जनरल नॉलेज करेंट नॉलेज की बात है वन जनरल क्वेश्चन दैट पीपल आर जनरली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू यू सर हाउ इंट्रोड्यूस इन इंटरव्यू आप आएंगे तो ज़्यादा आप सामने बैठेंगे वो आपसे प्रश्न पूछेंगे सामान्यतः वो आपसे नाम नहीं पूछेंगे आपसे नाम नहीं पूछेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन जब वो कहेंगे कि आप क्या हैं किस सर्विस में हैं मान लो आपका पहले काम किया है तो ये आपके पास मौका है कि मैंने सर या कहाँ पढ़ा है आपने तो मैंने एम एस सी इकोनॉमिक एम ए किया इकोनॉमिक्स में मैंने यहाँ नौकरी की है मेरा ये, ये विचार है मैं ये ये हॉबी रखना चाहता हूँ सामान्यतः हम लोग नाम नहीं पूछते थे तो इंट्रोडक्शन तो क्वेश्चन वो पूछेगा उस पर है सर रिलीजन या धर्म से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो उसे कैसे जवाब दिया जाना चाहिए देखिए नथिंग बार अब रिलीजन में ये नहीं कहा जाएगा कि ये रिलीजन खराब है ये रिलीजन अच्छा है लेकिन पूछ सकता है कि भाई हिंदू धर्म की मुख्य बातें बताइए इस्लाम धर्म की मुख्य बातें बताइए क्रिश्चनिटी की मुख्य बातें बताइए अगर मान लो आप फिलोसफी आपका सब्जेक्ट है तो फिलॉसफी में तो रिलीजन बहुत होता है तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैद्य किसी धर्म को क्रिटिसाइज करने वाले से लोग बचेंगे लेकिन रिलीजन रिलीजियस स्टडी ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ जनरल स्टडी इसमें कोई आपत्ति नहीं है अनलेस वेरी मेंबर कहे कि नहीं साहब ये रिलीजन बहुत खराब है ऐसा कोई मेंबर नहीं कहेगा सर एक और प्रश्न नित्यानंद का है कि गांधी जी और क्रांतिकारी में से एक तरफ जाने को मजबूर करते हैं तो क्या स्टैंड होना चाहिए आप मुझे इंटरव्यू के लिए पूछ रहे हैं ये तो आपके गांधी थॉट का विषय है ये विषय है और यह आपके है कि क्या गांधी जी ने क्रांतिकारियों को सपोर्ट किया नहीं किया यहां एक बहुत बड़ी बात है ये अगेन ये प्रश्न आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है आप क्या जवाब देते हैं आप कहते हैं कि नहीं गांधी जी ने क्रांतिकारियों का सपोर्ट नहीं किया यह बहुत अच्छी बात नहीं थी मैं गांधी की क्रिटिसाइज करता हूं तुरंत आपसे गांधी तब आप गांधी की उपलब्धि के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप क्यों ऐसा सपोर्ट करते हैं तो अगर ये प्रश्न आता है ये जैसे मैंने कहा है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप स्वतंत्रता संग्राम में गांधी और क्रांतिकारियों के योगदान पर आप इसमें बढ़ सकते हैं आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने क्रांतिकारियों का सपोर्ट नहीं किया मेरे विचार से सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट करते भगत सिंह का सपोर्ट करते तो अच्छा होता या दूसरा कोई कह सकता नहीं गांधी जी ने बहुत अच्छा किया तो ये आप ऐसा बोल के आप इंटरव्यू बोर्ड को फॉर्डर दे रहे हैं वो आपसे क्वेश्चन और पूछेगा तो आप तैयार रहें पहले से तैयार रहें कि आप दोनों एंड में किस एंड का आंसर देंगे और जिस एंड का आंसर देंगे उसके बारे में विशेष ज्ञान आपको रखना होगा किसी भी क्वेश्चन का कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है मैंने कहा जो भी आंसर दीजिए विथ रीजन रैशनल और मैं तो एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि ये आप किसी एक साइड पर ज़्यादा बोल के इंटरव्यू बोर्ड को इनवाइट कर रहे हैं कि हाँ मुझे और क्वेश्चन पूछिए इस वक्त सर बिहार से संबंधित और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपने हिस्ट्री लिया होगा तो बिहार की हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा जरूर पूछा जाएगा ज्योग्राफी है बिहार की ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा एक ऐसे इन जनरल हम लोग अक्सर बिहार के ग्रोथ के बारे में पूछते हैं कि भाई पिछले दस सालों में बिहार का ग्रोथ ग्रोथ का ग्रोथ कैसा रहा है ग्रोथ रेट क्या रहा है बिहार बैकवर्ड था क्यों था आजकल के ग्रोथ रेट में वो क्यों अच्छा कर रहा है तो बिहार से प्रश्न तो एक्सपेक्ट करना बिल्कुल नेचुरल है आप जो भी कुछ क्वेश्चन बिहार से जरूर पूछे जाएंगे बिहार की जलवायु कैसी है ज्योग्राफी है तो बिहार के क्लाइमेटिक रीजन कैसे हैं मतलब आप जिस स्टेट के हैं उसके प्रशासनिक सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है प्रखंड पंचायती राज के बारे में पूछा जा सकता है बिहार में पंचायती राज कैसे चल रहा है तो अपने स्टेट की पूरी जानकारी रखना तो बहुत आवश्यक है किसी भी समय आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है तो ये सारी चीजें हैं आप जब प्रिलिमिनरी और मेंस की तैयारी कर रहे होंगे ये सारे चीज आपने जनरल स्टडीज के सिलेबस में पढ़ा होगा तो ये तो इनहेरेंट है आपके ज्ञान में कि इन सारी चीजों पर आपकी जानकारी जरूर होगी सर एक और प्रश्न है राकेश का और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं फिर भी एक प्रश्न इसके ऊपर आ रहा है कि अगर कोई उम्मीदवार अंग्रेजी माध्यम का है और उसकी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी माध्यम में ही हुई है तो क्या उसे अंग्रेजी में इंटरव्यू देना चाहिए या हिंदी में देना अनिवार्य है मैंने कहा ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं कैंडिडेट से कोई हिंदी में पूछा आप कह सकते हैं कि सर आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश इंटरव्यू बोर्ड आपसे इंग्लिश में करेगा लेकिन थोड़ी सी बिल्कुल ही आप हिंदी नहीं जानते हो हो सकता है हम चाहेंगे कोई थोड़ी सी तो हिंदी कम से कम जानते हो बट देर इज नो बार यू कैन आंसर दी क्वेश्चन इन इंग्लिश इंटरव्यू बोर्ड हिंदी में बोल रहा आप बोल दें कि सर मैं अंग्रेजी में कम्फर्टेबल है मैं अंग्रेजी में आंसर दूंगा ये निगेटिव नहीं होगा आपके लिए खासकर तकनीकी विषय हो इंजीनियरिंग का विषय हो इकोनॉमिक्स का विषय हो इन सब में अंग्रेजी में आप बोलते हैं तो किसी भी प्रकार आपके खिलाफ नहीं जाएगा सर अभी तक जो आपने चर्चा की है उसको अगर हम दोबारा रिपीट करें तो ग्रेजुएशन से संबंधित विषय के बारे में वैकल्पिक विषय के बारे में सर्विस प्रेफरेंस के बारे में गैप ईयर के बारे में या प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर आपकी नज़रें भी होनी चाहिए मैंने फिर से मैं रिपीट करूंगा कि आपको अत्यधिक विद्वान होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए लेकिन जो विषय आप बोल रहे हैं उसमें आपकी गहरी पैठ होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से इंटरव्यू बोर्ड को बहकाने बरगलाने की कोशिश न करें आप वो निगेटिव जाएगा ड्रेस के बारे में मैंने बता दिया आपको आपका कंपोजर रिलैक्स मैंने कहा कि अगर कल इंटरव्यू है तो आज पढ़ाई छोड़ दीजिए कोई फिल्म देखने या टीवी पर कोई सीरियल देखिए कि आप फिलें परिवार के साथ समय बिता लिए रिलैक्सड हो इंटरव्यू बीपीएससी हॉल में आप जाते हैं तो हाथ में किताब लेकर मत जाइए आपके चेहरे पर सिकन नहीं होनी चाहिए आप बैठते हैं किस प्रकार बैठते हैं कम्फर्टेबल बैठें ये जरूरी है तो इन बातों को मैंने कहा और मैंने कहा आप इंटरव्यू बोर्ड में आप आपका जो बेस्ट है आपका जो बेस्ट पॉइंट है उसको आप कोशिश कीजिए कि सामने रखें कि इंटरव्यूअर मोल्ड हो आपसे उन पर क्वेश्चन करने के लिए और कोई मैजिक नहीं है कि इंटरव्यू बोर्ड क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा ये गेस की बात है या आप लोग बल्कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन देते होंगे मैं यही कहूँगा कि आपका सामान्य अवेयरनेस अगर आप पास सर्विस कर रहे थे तो उस सर्विस का अवेयरनेस मांगेगा आपसे यदि आपने सर्विस का चॉइस दिया है कुछ तो उसके बारे में अवेयरनेस मांगेगा आपने मान लीजिए निबंधन पदाधिकारी का दिया है तो कहेगा निबंधन एक्ट क्या है इसमें क्या क्या चीज़ होती है आपने नीचे मान लो प्रखंड स्तर पर शायद पंचायत राज पदाधिकारी आदि का है तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में ज़रूर पूछ सकता है तो मुख्य बात यही कहूँगा कि तैयारी में जो प्रीनरी और मेंस का जो जनरल स्टडीज था उस पर विशेष ध्यान दीजिए आप जरूर रिलैक्स मूड में इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर पाएंगे सर एक प्रश्न है बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के बारे में अगर कोई उम्मीदवार कन्फर्म नहीं होता है तो वह कुछ शब्दों का प्रयोग करता है जैसे इन माई ओपिनियन प्रोबेबली पर क्या इन शब्दों का प्रयोग करना उचित है कह सकता है कि सर आई एम वेरी नॉट वेरी क्लियर ऑन दिस नॉलेज आई हैव ऑन द बेसिस ऑफ दिस दिस इज माई ओपिनियन सी आप फ्रैंक बोलिए और विश्वास के साथ बोलिए मुंह लटका के अपने कमर को टेढ़ा मेरा करके नहीं बोलिए सर जो बाकी प्रश्न आ रहे हैं आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी को लेकर नहीं है लेकिन कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार की वजह शिक्षा और स्वास्थ्य खराब है ये सभी ओपिनियन बेस्ड हैं शायद इनको स्टूडेंट टैकल कर सकते हैं ये जो प्रश्न आपने कहा मैडम तो फिर वही कह रहा हूँ बिहार में भ्रष्टाचार की वजह से शिक्षा स्वास्थ्य खराबी है ये फिर आपको अपॉर्चुनिटी देता है आप इसका दो तरह का आंसर दे सकते हैं नहीं सर ये बिल्कुल गलत है भ्रष्टाचार तो पूरी दुनिया में होता है आप दुनिया का उदाहरण दे सकते हैं यहाँ भी होता है लेकिन इसी के कारण शिक्षा व्यवस्था खराब है जरूरी नहीं है दूसरा जब आप ये कहेंगे तो इंटरव्यू बोर्ड आपसे और पुष्च करेगा साहब आपने इस भ्रष्टाचार का नाम सुना इसका नाम सुना दिस विल गिव यू तो टू ब्रिंग आउट द बेस्ट अगर आप कह सकते हैं सर शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार हुआ है तो कहां भ्रष्टाचार हुआ है, इसका जवाब देना है तो वॉट एवर आंसर यू गिव ऑन बोथ साइड्स यू शुड बी वेल इन्फॉर्म एंड वेल आर्टिकुलेटेड और अपने तथ्यों के साथ उसके सपोर्ट में आप फैक्ट दीजिए वन मोर क्वेश्चन हाउ कैन यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल इफ यू स्टम्बल इन इंटरव्यू नहीं, दो बातें हो सकती हैं एक तो आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो आप शुरू में ही कह सकते हैं कि सर मैं थोड़ा फिजिकल डिसेबल हूं बोलने में मुझे होगा इंटरव्यू बोलने होगा लेकिन अगर नॉर्मल आप हैं और बार बार आ, आप स्टम्बल करते हैं ये शो करेगा कि आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है आप बार बार आ आ, आ, आ सर ये फिर सोचेंगे थोड़ी देर करेंगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल और आपके इनहेरेंट डीप नॉलेज की कमी शो करेगा तो ये है अगर आप हैं डिसेबल हैं आपके तो शुरू में कह दीजिए सर मैं डिसेबल हूं मेरी आवाज में थोड़ी सी ये होगी सर एक उम्मीदवार जानना चाहते हैं कि केरला और बिहार के लिटरेसी रेट को लेकर बिहार अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा क्यों है ये प्रश्न तो आपके अध्ययन की चीज है कि केरला का क्या फिगर्स रहा है बिहार का क्या फिगर्स रहा है बिहार का आप इसमें कस इसमें कोई शक नहीं केरला से बिहार का लिटरेसी रेट कम है आप मान सकते हैं लेकिन साथ साथ यही कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में बिहार का लिटरेसी रेट बढ़ा है तो आपके का कुछ फैक्ट फिगर होना चाहिए जो शिक्षा का लास्ट दस साल में जो हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ अब ये फिर अगेन वाटर पॉलिटिकल है आप कह सकते हैं शिक्षा व्यवस्था में बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया है बच्चों को भी इनोलमेंट पर जोर दिया गया है तो हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है और हमारी उम्मीद है कि हम केरला को पकड़ लेंगे एक बात ये और दूसरी बात अपोजिट जा सकते हैं यस सर आई एग्री बिहार में ठीक नहीं हो रहा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है बिहार में ये ये कमियां हैं तो फिर पूछा जाएगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या कमियां आप बताइए क्या क्या कमियां हैं तो मैंने कहा किसी का कोई परफेक्ट आंसर नहीं है यू हैव टू टेक ए स्टैंड एंड दैट स्टैंड हैज टू बी जस्टिफाइड बाई फैक्ट एंड फिगर्स एंड आर्गूमेंट सर सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं क्या सरकार के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं में खामियां पाते हैं या सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं सही हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए क्या उम्मीदवार इसकी आलोचना कर सकते हैं बिल्कुल अगर स्वस्थ क्रिटिसिज बल्कि अगर स्वस्थ क्रिटिसिज कहते हैं कि इसमें ये ये कमियाँ हैं तो साथ साथ आप ये भी बताएं कि इसमें सुधार के लिए ये ये उपाय किए जाने चाहिए सरकार की योजनाओं का स्वस्थ क्रिटिसिज्म केवल आँख मुनकर कि साहब इस पार्टी की सरकार ने सब गोल कर दिया या इस पार्टी की सरकार अच्छी थी ये ठीक नहीं है आप अगर एन, आ, मनरेगा की बात होती है तो मनरेगा में क्या क्या कमी हो रही है वो आप बता सकते हैं और साथ साथ आप सुझाव दें कि सर इसमें ये है भले आपका सुझाव कोई सरकार तुरंत नहीं मानने वाली है लेकिन आप अपनी तरफ से उसमें सुझाव दें बालिका शिक्षा मान लो बालिका साइकिल योजना चला कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है बालिका साइकिल योजना चला इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ लेकिन सर यह बहुत अच्छी योजना है इसमें ये ये सुधार होना चाहिए तो मैंने कहा कोई परफेक्ट आंसर नहीं है आप जो आंसर दीजिए वो पॉजिटिव माइंड फ्रेम से पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव माइंड फ्रेम से दीजिए और क्रिटिसिज के साथ साथ आप सजेस्ट कीजिए कि सुझाव क्या हो सकते हैं इसके लिए सर अगर सरकार की कुछ असफलताएं योजनाओं को लेकर हैं तो क्या उनके बारे में भी बताया जाना चाहिए मैंने वही बात कहा कि सरकार की सफल योजनाओं में कुछ आपको असफलता नज़र आती है और आपसे पूछा जाता है तो बाई ऑल मीन्स डू इट बट इट शुड बी अ वेरी रीजन क्रिटिसिज्म केवल आँख रीजन क्रिटिसिज्म एंड शुड ऑल्सो से वट बेटर कुड हैव बिन डन ये जरूरी है और यह तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है और क्या क्या हो सकता है आप, आप अपने पूरे विचार दे सकते हैं कि सर किस ऐसे होना चाहिए योजनाओं को ऐसे होना चाहिए ये तो एक अपॉर्चुनिटी है आपको अपनी बात इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखने की सर ये मेरा आखिरी प्रश्न था उम्मीद है जो उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा मैं इसी के साथ मैं सर को धन्यवाद देता हूँ पातजलि की ओर से पातजलि परिवार की ओर से उन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए और हमारे उम्मीदवारों के लिए धन्यवाद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं आप बिल्कुल कूल काम माइंड से जाएं किसी भी प्रकार की घबराहट शो नहीं करें और फ्रैंक आंसर दे हर बात का और जो मैंने वो कहा था कि, कि किसी भी क्वेश्चन में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढें कि इससे मैं कैसे इंटरव्यू बोर्ड को और मटेरियल के लिए अट्रैक्ट कर सकता हूं तो और वो फिर मैं रिपीट करूंगा प्रेफरेंस भरने में, में मेरा पर्सनल अनुभव है प्रेफरेंस ठीक से नहीं भरने से बहुत सारे लोग बहुत सफ़र किए हैं उसका कोई उपाय नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो थैंक्स दी पतंजलि मिस सुमन एंड एवरी वन थैंक यू मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पतंजलि आई एस को और आइकन को प्रेस करना न भूलें